हेलो 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 कैसे हैं सब लोग सबको गुड इवनिंग क्या हाल है भाई लोग आवाज़ आ रही है मेरी एक बार क्लियर करके बता दीजिए मेरे को आवाज़ आ रही है क्या हेलो 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 आई ऑडिबल बताइए क्या मैं ऑडिबल हूं एक बार फटाफट से मेरे को बता दीजिए जल्दी से क्या आप सबको आवाज आ रही है बच्चों हेलो 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 अभी स्टार्ट कर रहे हैं बस एक सेकंड के अंदर सबको हेलो सबको हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग क्या हाल है वेरी गुड फोर्टी सिक्स देखते हैं अभी कितने जोड़ते हैं उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ठीक है चलिए हेलो हेलो सबको हेलो सबको हेलो कैसे हो पहले ये बताओ टेंशन हो रही है नहीं हो रही है चलिए अभी स्टार्ट करेंगे बस थोड़ी देर में थोड़ा सा टाइम दीजिए फिर शुरू करते हैं ठीक है सो डंपनेस पेपर तो ईजी था ओके 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 वेलकम गौरव वेलकम परमेश्वर शकुंतला जी वेलकम संचित वेलकम द कॉमेडी शो वेलकम हिंदू गेमर वेलकम शिवा वेलकम रिया जी वेलकम दिल राज सबका स्वागत है आर्यन स्वागत है बच्चे एक बार सब लोग अपने अपने ग्रुप्स में क्लास में शेयर कर दीजिए कि मैं क्या करवाने वाला हूं अभी वो बताऊंगा सारी चीजें नो no, हो आ रही है किस किसका पेपर का क्या हाल है क्या क्या बोल रहे हो यार सबको आवाज आ रही है पहले ये बता दो एक बार यस टाइप कर दो अगर आवाज आ रही है तो अगर आवाज आ रही है तो एक बार मेरे को यस टाइप जल्दी से यस ओके फिजिक्स कॉन्सेप्ट अगर आप सबको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार से यस टाइप कर दीजिए जल्दी से फटाफट फिर हम स्टार्ट करते हैं टेंशन हो रही है बिल्कुल चिंता करने की ज्यादा दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है वेलकम सबका स्वागत है भाई लोग सबका स्वागत है वेलकम 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 ईच एंड एवरी स्टूडेंट वेरी गुड इवनिंग सबको हैप्पी वेलेंटाइंस डे वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं ठीक है और पुलवामा अटैक की बहुत बहुत दुखद दुख कामनाएं ठीक है यही बोल सकते हैं यार इसमें तो चलिए सब लोग ठीक हो पहले बताओ सर प्लीज सिलेबस ओके okay, सब कुछ बताऊंगा बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है सब कुछ बताऊंगा इसमें ठीक है सब कुछ बताऊंगा थोड़ी देर में कमेंट्स में अभी इसमें ध्यान अपना हटा दूंगा मैं ओके okay? अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं बच्चे बहुत टेंशन में लग रहे हैं मुझे हेलो वेलकम हिंदू गेमर वेलकम देश अगेन वेलकम के जी वेलकम आकाश वेलकम नवीन चौहान वेलकम एक बार मैं सबका वेलकम कर लेता हूँ ठीक है शिवा गुप्ता एस्टेलाजी वेलकम साहिल यादव वेलकम अरे बाप रे इतने सारे कमेंट्स जा रहे हैं ऊपर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कुछ किसको किसको वेलकम करूं कार्तिक वेलकम रामू वेलकम सर कोड ऑफ कंडक्ट बता दीजिए अरे सब कुछ बताएंगे कहा चिंता कर रहे हो मेरे भाई लोग क्यों चिंता कर रहे हो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी जब मैं यहाँ पे हूं मैं सब देख लूंगा बिल्कुल ये वाला जो पेपर है आप पूरा मेरे भरोसे छोड़ सकते हैं ठीक है मेरे भरोसे छोड़ सकते हैं मतलब जो जो चीजें मैं बताने वाला हूँ बस वही करना है उसके अलावा कुछ नहीं आना एग्जाम के बाहर मतलब इस इन जो मैं चीज बताऊंगा इन सब चीजों के बाहर कुछ नहीं आना ठीक है तो बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है जो चीज़ें बताओ शुरू करें शुरू करें बिना कोई रुकावट के बताइए बताइए कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आ रही बेटा कम्युनिकेश्स कम्युनिकेशन स्किल्स आ रही है सिर्फ दो नंबर की जिसको माथा मारने मार लो या फिर दो नंबर छोड़ देना ठीक है और दो नंबर में भी चॉइस आएगी तो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर इतना पीछे मत पड़ो जिनके पीछे पढ़ना है वो बताऊंगा अभी किस चीज के पीछे पढ़ना है वो बताऊंगा ठीक है कम्युनिकेशन स्किल्स के पीछे मत पढ़ो इतना दो नंबर का आएगा उसमें भी चॉइस आएगी तो वो अगर नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा काम ठीक है बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है देखो अब मैं आपके मैसेजेस शायद ना पढ़ पाऊं तो मैं अपना पेन टेबलेट खोल लेता हूं एक बार ओके चलिए काफी दिन बाद खुला यार आज ये सबका स्वागत है सबका स्वागत है सब लोग बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हम देख लेंगे आराम से सब कुछ कवर करेंगे ओके चलिए तो शुरू करें कैसे हैं सब लोग सबका स्वागत है सबका स्वागत है कैसे हैं सब लोग बताइए एक बार हम्म वेलकम एवरीवन वेलकम 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 एवरीवन ओके okay, नवोदय जी वेलकम नवीन चौहान वेलकम सबका स्वागत है सबका स्वागत है एक बार से फटाफट से लाइक कर दीजिए उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बार फटाफट से लाइक कर दो चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है ठीक है और जो जो नया आया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है आग, क्योंकि कल और परसों रेगुलर अपडेट्स होंगे तो वो आपको मिलते रहेंगे समझ रहे बच्चों क्या बोलना चाह रहा हूँ रेगुलर अपडेट्स रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक कर दो वीडियो को एक बार फटाफट से इतने बच्चे लाइक है इतने बच्चे लाइव हैं लेकिन लाइक देखो कितने कम है ठीक है फटाफट से लाइक कर दो एक बार फिर हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ओके चलिए तो क्या बोलते हो शुरू कर दे कहानी चलो 130 बच्चे लाइव हैं और लाइक देखो सिर्फ 70 है अरे यार शर्म करो डूब मरो तुम लोग बट मजा खराब कर रहे हो पूरा मैं इतनी सॉलिड तरीके से पढ़ाने वाला हूं लेकिन तुम लोग मजे ले रहे हो ना बैठ के इधर ओके वन थर्टी वन थर्टी सेवन दो सौ होने का इंतजार करें फिर शुरू करेंगे ठीक है सुनो सर मेरी आप बात सुनो यार मैं सबकी बात सुनूंगा चिंता मत करो सर फुल रिविजन सब कुछ होगा क्यों परेशान हो रहे हो मैं कह रहा हूं जब मैं यहाँ पे हूं ना <coughs> परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है मैं सब देख लूंगा ये पूरा की पूरा एग्जाम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो आप ठीक है एक भी मार्क्स कटने दू, नहीं दूंगा ये मेरी गारंटी है लेकिन लेकिन बस बात ये है कि जो बताऊंगा वो पढ़ लेना ठीक है अभी भी जिसने कुछ नहीं पढ़ा है ना वो भी पचास में से पचास नंबर ला सकता है सबसे पहली बात ये है ध्यान से सुनो जिसने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक वो भी पचास में से पचास नंबर पूरे ला सकता है इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है ठीक है चलिए ओके ओके अब मैं नहीं देख रहा हूं कितने लाइक हैं कितने नहीं हैं बस फटाफट से एक बार फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर लो और अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ठीक है फिर मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो शायद अभी आपको नहीं पता है पिछली बार जब मैंने पूरा की पूरा जब सिलेबस करवाया था ना आप कमेंट्स में जाके देखना बच्चे कितने थैंकफुल थे एंड इवन आई वॉज वेरी हैप्पी मैं भी बहुत खुश था ठीक है प्राउड टू नवोदियन अमन जी कह रहे हैं ओके नवोदियन बच्चों को भी बिल्कुल बिल्कुल भाई प्राउड तो है सर ओवरऑल फिफ्टी मार्क्स के पेपर हैं और फिफ्टी मार्क्स का थ्योरी बेटा जो पचास मार्क्स का थ्योरी है मैं उसकी बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल तो तुमने कर लिया होगा शायद सब कुछ बताएंगे रिया जी बिल्कुल चिंता ना करें सब कुछ अभी आपको बताएंगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है ठीक है 154 लाइव हैं वेरी गुड 154 ठीक है अभी स्टार्ट करेंगे बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है चलिए शुरू करें क्या बोलते हो शुरू करें फिर देखो एक बार कमेंट में यस बोल दो शुरू करें फिर मैं शुरू करता हूं ठीक है एक बार कमेंट में फटाफट से बोल दो यस मैं शुरू करता हूं फिर चलिए एक बार कमेंट में सब लोग यस बोल दो मैं शुरू करता हूं मुझे पता है परसों एग्जाम है ठीक है आई नो परसों एग्जाम है और चलो रिया जी बोल रही है यस yes, चलो सबने यस yes, यस yes बोल दिया है तो अब हम शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के चलिए ओके देखो जो आपका एग्जाम है बेटा दो घंटे का एग्जाम है ठीक है ध्यान से सुनना चीजों को

जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कितने नंबर की आएगी बेटा दो नंबर की आएगी दो क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखना एक एक नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे और दो एक एक नंबर के दो क्वेश्चन है सॉरी एक एक नंबर का है और एक दो नंबर का है ठीक है तो यहां पे टोटल क्वेश्चन जो है वो दो क्वेश्चन आएंगे उसके बाद देखो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स यहां पे टोटल क्वेश्चन तीन नंबर है आईसीटी में आईसीटी मतलब हम्म आईटी वाली जो यूनिट है आपकी दो क्वेश्चन तो ऐसे करके बेटा ये जो टोटल यूनिट है ना वो ये पूरा सेक्शन दस नंबर का है सिर्फ ठीक है याद रखना ये पूरा सेक्शन जो है दस नंबर का है अब इसकी तैयारी कैसे करनी है मेरी बात ध्यान से सुनिएगा इसकी तैयारी कैसे करनी है इसकी तैयारी के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स देखो मैं एक चीज बताऊंगा मैं बोलना चाहूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स को स्किप कर दो इसको मत पढ़ो सब भलाई इसका जो क्वेश्चन होगा वो आप वैसे ही कर लोगे इसमें कुछ लोड वाली बात नहीं है ठीक है सबका स्वागत है बेटा मैं आप सबको देखो हाई नहीं बोलना चाहूंगा अब मैं बस सीधा काम काम की बात करेंगे यहां पे देखो नेक्स्ट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है ठीक है आईसीटी स्किल्स ऑलरेडी अपलोड कर दी है एंट्रप्रिन स्किल्स ऑलरेडी अपलोड कर दी है ग्रीन स्किल्स ऑलरेडी अपलोड कर दी है ये चार की चार अपलोडेड हैं ये मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हैं ध्यान रखना ये मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हैं ठीक है अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इन चीजों इन चारों को आप सबसे लास्ट में करें क्योंकि देखो इनका वेटेज कितना है सिर्फ दस मार्क्स ये पूरा जब आप कर लोगे तब जाके सिर्फ दस मार्क्स मिलेंगे आपको ध्यान रखना तो मैं चाहूंगा कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आईसीटी स्किल एंटरप्रेन्योर और ग्रीन स्किल इन सबको आप लास्ट में करें सबसे पहले फिर करना क्या है आपको सबसे पहले बेटा नीचे वाली चीजें करनी है क्योंकि यहां पे देखो आपका मेन रोल यहां पे है ठीक है आपको सबसे पहले ये वाली चीजें करनी है और इनको ही पकड़ के चलना है यहां पे ध्यान से देखो सबसे पहले आपको ये चार यूनिट्स करनी है सबसे पहले आपको ये चार यूनिट्स करनी है ठीक है और यही आपकी रो मेन रोल प्ले करेंगी ठीक है कोई बच्चा अभी मैसेज कर रहा है टेलीग्राम पे क्लास कब से उसको पता ही नहीं क्लास स्टार्ट हो चुकी है चलिए सबसे पहले आपको करना है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फिजिकल फैसिलिटेटर इस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको करना होगा उसके बाद आपको करना है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ठीक है उसके बाद करना है फ्री प्ले ठीक है और इसके बाद करना है चौथी मॉनिटरिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता ये अपलोडेड कहां पर है मैं आपको दिखा देता हूं बेटा कौन सी चीज कहां अपलोडेड है ध्यान से सुनिएगा पहली जो है रोल्स अपलोडेड है यूनिट टू के नाम से असेसमेंट एंड इवोल्यूएशन भी अपलोडेड है यूनिट थ्री और फोर एक वीडियो में कंबाइन है यूनिट थ्री और फोर एक वीडियो में कंबाइन है वो आपको कंबाइन करने पड़ेंगे और उसी यूनिट के अंदर उसी यूनिट के अंदर एक सेकेंड ऑलरेडी स्टार्टेड उसी यूनिट के अंदर मतलब उसी वीडियो के अंदर और भी दो चीज मिलेंगी एक मिलेगा ग्रीन स्किल्स ठीक है एक मिलेगा ग्रीन स्किल्स और एक मिलेगा क्या एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स उसी यूनिट के अंदर आपको मिलेगा ठीक है वहां से आप करेंगे अब मेरी बात ध्यान से सुनो अभी इस वीडियो में क्या करेंगे अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं अब इस वीडियो में पहली यूनिट आपको करा दूंगा कि कैसे करना है ठीक है पहली यूनिट में आपको कराऊंगा अभी कि कैसे करना है चलिए तो बिना किसी रुकावट के हम पहली यूनिट को अगर मैं शुरू करूं यहां पे आपको मिल जाएगी पहली यूनिट पहली यूनिट ये रही देखो यूनिट वन है आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंड अर्ली ईयर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं ध्यान से सुनिएगा क्या बताने वाला हूं ठीक है देखो पहली यूनिट है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्योंकि यहां से क्या होगा दो मार्क्स के क्वेश्चन भी है चार मार्क्स का क्वेश्चन भी है ठीक है चार मार्क्स का क्वेश्चन में आपको एक इसमें नई चीज ऐड हुई है वो है क्या रिपोर्ट जो आपको रिपोर्ट बनानी होती है वो या फिर स्पोर्ट कार्ड बनाना होता है स्पोर्ट्स कार्ड स्पोर्ट्स कार्ड बनाना होता है वो हम कल करेंगे ध्यान रखना वो चीज हम कल करेंगे वो इंपॉर्टेंट है वो चार मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक कौन सा क्वेश्चन रिपोर्ट कार्ड और एक पीटीएम वाली जो रिपोर्ट होती है वो बनानी होती है वो ठीक है ये चार मार्क्स का क्वेश्चन है ये सब हम कल डिस्कस करेंगे लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अर्ली ईयर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर ध्यान से सुनिएगा पहली यूनिट है बहुत आराम से करा रहा हूं सबसे पहला जो उसमें टॉपिक है सबसे पहला जो उसमें टॉपिक है रोल्स एंड ऑफ फिजिकल इसमें पहला टॉपिक देखो कि जो एक फिजिकल टीचर होता है फिजिकल एक्टिविटी मतलब फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर होता है एक स्कूल में उसके क्या क्या रोल्स होते हैं उसकी क्या क्या ड्यूटी होती है उसका क्या क्या काम होता है पीटीएम इन्विटेशन करना है या नहीं मैं कल बताऊंगा पीटीएम इन्विटेशन जो नहीं वो करना नहीं है उसका रिपोर्ट कार्ड उसकी जो एक वो बनती है समरी बनती है वो करेंगे हम ठीक है वो हम कल करेंगे चार मार्क्स का क्वेश्चन आता है ओके okay, यहां पे देखो रोल्स ऑफ फिजिकल एजुकेटर फिजिकल एजुकेटर के क्या क्या रोल्स होते हैं पहले देखो रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट्स इन हेल्थ जो फिजिकल एजुकेटर होता है वो हेल्थ के लिए मतलब लोगों को हेल्थ के लिए जागरूक करता है उनकी फिटनेस के लिए जागरूक करता है और स्पोर्ट्स में जागरूक मतलब स्पोर्ट्स में उनकी मदद करता है और ये कब से कब तक करता है के टू ट्वेल्थ के टू मतलब के जी क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक इन अ स्कूल एनवायरमेंट और कहां पे करता है बेटा स्कूल एनवायरमेंट के अंदर ठीक है पहला पॉइंट समझ में आया स्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट मतलब लोगों को एजुकेट करता है स्टूडेंट्स को एजुकेट करता है किसमें हेल्थ में फिटनेस में स्पोर्ट्स में, में और कहां से कहां तक के जी क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक का, और कहां पे स्कूल इन्वायरमेंट में पहली चीज समझ में आई उसका क्या रोल है ठीक है समझ में आई बात पहली चीज समझ में आई क्या रोल है उसका उसका रोल है क्या स्टूडेंट को पढ़ाना किस बारे में हेल्थ के बारे में फिटनेस के बारे में स्पोर्ट्स के बारे में और कहा कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक एल के जी क्लास मतलब लोअर के जी क्लास से लेके ट्वेल्व क्लास तक ठीक है ये उसका रोल है स्टूडेंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो फिजिकली सोशली स्टूडेंट है उनकी ग्रोथ होगी ठीक है वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे फिजिकली मतलब उनमें ताकत आएगी उसके बाद सोशली मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना अच्छे से सीखेंगे और मेंटली मेंटली मतलब दिमाग से स्ट्रांग बनेंगे ठीक है तो ये क्या है उसका रोल है सेकेंड पॉइंट देखो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इन लर्निंग फिजिकल स्किल्स अब एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है मतलब उसको पता होता है कौन सी चीज पहले सिखानी है बच्चों को कौन सी चीज बाद में सिखानी है ठीक है तो सबसे पहले क्या करता है वो फंडामेंटल स्किल्स टू स्पेसिफिक स्किल्स ऑफ एट अर एज मतलब शुरू में जब वो किसी बच्चे को सिखाना शुरू करता है तो सबसे पहले बेसिक चीज सिखाई जाती है ठीक है जैसे अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है तो उसको पहले फर्स्ट क्लास की चीजें सिखाई जाती है ऐसा तो है नहीं उसको सीधा टेंथ में डाल देते हैं टेंथ क्लास की किताब पकड़ा देंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या होगा उसको फंडामेंटल स्किल्स सिखाएंगे उसके बाद उसको स्पेसिफिक स्किल्स सिखाएंगे जैसे आपकी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री कोई चैप्टर होगा मैथ्स में है ना वो ट्रिग्नोमेट्री आपको टेंथ में आने के बाद मिला है ऐसा नहीं है कि उसको फिफ्थ या सिक्स क्लास में ही सिखा दिया गया तो पहले बेसिक बताया गया उसके बाद आपको स्पेसिफिक स्किल्स मतलब जो उस गेम के लिए जरूरी होती है वो स्किल्स सिखाई जाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो नॉट ओनली टी स्टूडेंट बट ऑल्सो एंगेज कोलीग्स पेरेंट्स कम्युनिटी थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम अब उसका काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं होता बल्कि कोलीग्स को पढ़ाना होता है मतलब उसके आस, उसके जो टीचर के जो साथी होते हैं उनको भी पढ़ाना होता है पेरेंट्स को भी मतलब जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं उनको भी वो बिजी रखता है और पूरी सोसाइटी को बिजी रखता है किस किस मीडियम से हेल्थ और वेलनेस प्रोग्राम से किस किस से हेल्थ और वेलनेस प्रोग्राम से उनको बिजी रखता है वो ओके okay? नाउ अब यहां पे देखो ये तो हो गए रोल्स ऑफ फिजिकल एजुकेटर जो फिजिकल एजुकेटर होता है उसके क्या क्या रोल्स होते हैं ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट देखो इज कोर वैल्यूज ऑफ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अब यहां पे कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे अब यहां पे बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि भाई ये जो अभी बताया वो क्या होता है बेटा ये उसकी ड्यूटी होती है ध्यान रखना ये उसकी ड्यूटी होती है एक सेकेंड ये उसकी क्या होती है बेटा ये उन ये उसकी फिजिकल फैसिलिटेटर की क्या होती है ड्यूटी होती है ठीक है और ये क्या है कोर वैल्यूज ऑफ ऑफ प्रोफेशन अब उसका कोड कंडक्ट है यहां पे ध्यान रखना कोड ऑफ कंडक्ट अगर क्वेश्चन में अगर मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर तो आपको ये पॉइंट लिखने हैं ऊपर वाले मत लिख देना ऊपर वाले उसकी ड्यूटी है ठीक है सर क्या ये सब्जेक्ट रिप्लेस करेगा बेटा ये सब्जेक्ट रिप्लेस तभी करता है जब आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं अगर मान लो फिजिक्स उसमें साइंस में मैथ्स में या एस में, में से अगर आप फेल हो जाते हैं किसी में तो इसके मार्क्स जुड़ते हैं और आपकी परसेंटेज इंक्रीज होती है अगर आप फेल नहीं होते हैं तो इसके मार्क्स इतना अफेक्ट नहीं करेंगे आपके एग्जाम में ठीक है ध्यान रखना चलिए लेकिन इसके ग्रेड होते हैं जो जुड़ते हैं रिपोर्ट कार्ड में तो आएगा ना लिख के उसमें तो आएगा आपकी मार्कशीट में तो लिखा आएगा बेटा ये चलिए उसके बाद देखो यहां पे कोर वैल्यूज ऑफ प्रोफेशन कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर लर्निंग सबसे पहले तो क्या है लर्निंग के लिए एनवायरमेंट बनता है जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर है वो क्या करता है बेटा लर्निंग के लिए एनवायरनमेंट बनाता है मतलब नर्चरिंग स्टूडेंट्स डेवलपमेंट मतलब कि स्कूल में ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी करा रहा है उसका एक स्ट्रक्चर प्लान होता है उसके हिसाब से वो कराता है ठीक है तो सबसे पहले क्या करेगा नर्चरिंग स्टूडेंट्स डेवलपमेंट वो क्या करता है एक स्टूडेंट की डेवलपमेंट को नर्चर करता है है मतलब उसको धीरे 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 आगे बढ़ाता ठीक है थीके? अब इसमें आप तीन सब पॉइंट लिख सकते हैं मेंटेन फिजिकल एंड इमोशनली सेफ इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा फिजिकल एक्टिविटी जो ट्रेनर होता है स्कूल में जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर होता है वो क्या करता है फिजिकली एंड इमोशनली सेफ इन्वायरमेंट बना के रखता है पूरे स्कूल में ठीक है मतलब बच्चों को फिजिकली स्ट्रांग बनाना उनको इमोशनली स्ट्रांग बनाना अब यहाँ पे एक पॉइंट और एड कर सकते हो उसको उनको मेंटली स्ट्रांग बनाना ये उसका काम है ठीक है ये उसका क्या है कोड ऑफ कंडक्ट में आता है ओके मोटिवेट स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिग्निटी वर्थ मतलब जो बच्चे होते हैं उनको मोटिवेट करना ठीक है बच्चे होते हैं उनको मोटिवेट करना और उनकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट करना मतलब उनकी इज्जत की रिस्पेक्ट uh, करना ठीक है उनको सिखाना अच्छे मैनर्स सिखाना ये सारी चीजें ठीक है उसके बाद देखो प्रोवाइड अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट पूरा क्या है बेटा सपोर्टिव एनवायरमेंट प्रोवाइड करना सोशल इंट्रैक्शन करना टीम बिल्डिंग करना ये सारी चीजें होती हैं ठीक है थीके? तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा पहला क्या है क्रिएट इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग पहला कोड ऑफ कंडक्ट में आपका सबसे पहला हेडिंग होना चाहिए क्रिएट इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग अब लर्निंग का इन्वायरमेंट कैसे बनेगा इन सारी चीजों से बनेगा ओके नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है Collaborating with others to expand physical टू opportunities. एक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज फिजिकल एक्टिविटीज की जो अपॉर्चुनिटीज होती है उनको सीखने के लिए वो कोलाबोरेन करता है मतलब अकेला काम नहीं करता लोगों को साथ मिलाता है ठीक है नाउ अब ये कैसे कोलाबोरेट करेगा कोलेबोरेट विद अकेडमिक टीचर इन सपोर्टिंग स्टूडेंट्स अगर मान लो कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है लेकिन पढ़ाई में कमजोर है तो वो क्या करेगा

पूरे स्कूल स्टाफ को क्या करेगा बेटा पूरे स्कूल स्टाफ को एंगेज करेगा किसमें फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम्स के अंदर ओके ताकि आपने देखा होगा स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है तो उसमें टीचर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं ना वो इसी वजह से करते हैं ताकि बच्चों का इंट्रैक्शन बढ़े ठीक है और टीचर्स को भी कुछ और बाकी टीचर्स को भी कुछ सीखने का मौका मिले ना रिस्पेक्ट एंड वैल्यू अदर्स ओपिनियन दूसरों के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना ठीक है दूसरों के ओपिनियन की क्या करना रिस्पेक्ट करना सर्व एज अ रोल मॉडल बहुत सारे बच्चों के लिए वो रोल मॉडल होता है बहुत सारे बच्चे क्या चाहते हैं कि हम उसके जैसा बने मतलब हम उनके जैसा बने ठीक है दूसरा डेमोन्स्ट्रेट ट्रस्ट वर्दीनेस एंड अब लॉज मतलब ट्रस्ट वर्दीनेस मतलब लोगों में विश्वास बढ़ाना एक दूसरे को ट्रस्ट करना ठीक है और अबाइडिंग द लॉज मतलब जो लॉज बने होते हैं जो रूल्स बने होते हैं उनको फॉलो करवाना ठीक है उनको क्या करवाना बेटा फॉलो करवाना ओके नाउ डेमोन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी बाय रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट गर्ल्स गिफ्ट और इन फेवर्स मतलब घूस ना लेना ना करप्शन नहीं करना अगर मान लो किसी का कोई सिलेक्शन करवाना है तो कोई आके उनको घूस दे जाए कोई उनको बोले कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा आप मेरा सिलेक्शन करवा दो इस स्पोर्ट्स में तो वो क्या करता है इस काम को वो नहीं करता है ठीक है ध्यान रखिएगा उसके बाद देखो एक्सरसाइज प्रॉपर जजमेंट प्रॉपर जजमेंट के साथ एक्सरसाइज करना ठीक है मतलब जब वो जजमेंट करता है जब वो जज करेगा मान लो उसके पास कोई चीज दो लोगों में झगड़ा हो गया दो स्टूडेंट्स में झगड़ा हो गया तो वो क्या करेगा एकदम बिल्कुल निष्पक्ष होके उनका डिसीजन लेगा ठीक है उनकी बातें सुनेगा और उसके बाद उसके क्या करेगा डिसीजन लेगा उसका ठीक है तो ये क्या हो गया उसकी रिस्पेक्ट हो गई तो ये कोड ऑफ कंडक्ट में आपको क्या क्या पॉइंट लिखने हैं पहला देखो पहला पॉइंट क्या लिखोगे कोड ऑफ कंडक्ट में क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर लर्निंग दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे हो कोलेबोरेटिंग विद अदर्स टू एक्सपेंड फिजिकल एक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज तीसरा

स्कूल पूरे स्कूल में टाइमिंग का फॉलो करवाना कि बच्चे टाइम से आ रहे हैं टाइम से जा रहे हैं ठीक है ये सारी चीज भी वही करवाता है उसके बाद गुड कम्युनिकेशन विद ऑल सबके साथ अच्छे से बात करना ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रैटेजी फॉर एड्रेसिंग टू ऑल पूरी की पूरी स्ट्रैटीज का इस्तेमाल करता है वो ठीक है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देता है सबको और अच्छे से एड्रेस करता है सबको एड्रेस करता है मतलब सबको बताता है सारी चीजें ऐसे करनी है ऐसे नहीं करनी इस टाइप से ठीक है तो पे देखो दो फोटो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहां पे देखो दो फोटो दिखाई दे रहे हैं पे पे दो फोटो दिखाई दे रहे हैं अब देखो इसमें ये 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 फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर है है मतलब ये टीचर है। ये टीचर क्या कर रही है ये टीचर देखो इन बच्चों को क्या कर रही है सिखा रही है बैडमिंटन सिखा रही है ठीक है यहां पे देखो ये यहां पे प्रॉपर एक एक्सरसाइज करना सिखा रहा है इनको कि बैडमिंटन ये फंडामेंटल एक्सरसाइज है कि अगर किसी को बास्केटबॉल खेलना है तो उसके लिए पहले ये एक्सरसाइज फंडामेंटल जरूरी है उसके बाद वो स्पेसिफिक मतलब जरूरी जो प्रोफेशनल वाली स्किल्स होती है वो सिखाएगा ठीक है उसके बाद देखो नेक्स्ट डेकू जी कह रहे मैंने आपकी सेल्फ मैनेजमेंट पढ़ लिया ठीक है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर आपने मेरी वीडियोस देख ली तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा बच्चे डोंट वरी स्ट्रेस फ्री होके एग्जाम दो इसका मतलब है कि आपने पूरा की पूरी तैयारी कर ली है ठीक है नाउ कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग कंट्रीब्यूट टू प्रोफेशन प्रोफेशन में आना बेसिकली ठीक है कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग अब वो क्या करता है फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग देता है बच्चों को ठीक है और प्रोफेशन बनाना सिखाता है प्रोफेशन बनाना मतलब उनको एक अच्छे से लाइफ देता है और उनको बताता है कि क्या प्रोफेशन बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए ओके नेक्स्ट देखो पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज और वो क्या करता है फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं उनमें हेल्प करता है फॉर एग्जांपल अब ये कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं

भले ही ये पढ़ाई में अच्छा ना हो लेकिन ये स्पोर्ट्स में अच्छा है तो इसका फ्यूचर कुछ बन सकता है ठीक है इस टाइप से वो अकेडमिक टीचर को क्या करता है सपोर्ट करता है और बच्चे को अकेडमिक स्टडीज से बचाता भी है ठीक है मतलब उस टीचर से बचाता है नाउ अपडेट द नॉलेज एंड बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस इन फिजिकल एजुकेशन अपडेट द नॉलेज मतलब अप टू डेट रहना एनवायरमेंट के साथ एनवायरमेंट के साथ क्या करना अप टू डेट रहना ये सारी चीजें होती हैं ठीक है चलिए आई होप समझ में आया सबको आई होप समझ में आया सबको चलो ओके okay. uh, ये क्या है रिया जी बोल रही हैं यस सर क्लास सर टेंटी कहां से पढ़े बेटा सिर्फ वीडियो से कर लो उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आपने सारी वीडियोस देख ली मेरी जो ऑलरेडी मैंने अपलोड करी हुई है यूनिट वन टू थ्री फोर मैंने वॉल उसका जो थंबनेल है उस पर भी डाला हुआ है बेटा कौन से उसमें यूनिट वन है कौन से उसमें यूनिट टू है ऐसे करके ठीक है सर बेस्ट फाइव परसेंटेज में लेते हैं क्या नहीं ध्यान रखना ये सब बोलने की बातें हैं बेस्ट फाइव परसेंटेज उनकी जुड़ती हैं अगर कोई बच्चा

ठीक है अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो वो यहां से प्रैक्टिस होगी मेरा चैनल खोलिएगा आप ठीक है मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है आप मेरा चैनल खोलिएगा और देखिए मैं आपको दिखाता हूं सारी चीजें हाँ ठीक है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ध्यान से यहां पे एक ये दिया हुआ है सैंपल पेपर वन पार्ट वन ठीक है सैंपल पेपर वन पार्ट वन इस वीडियो को जरूर देखिएगा ये आपको प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करेगी ठीक है यहां पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट वन की एक वीडियो दे रखी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट टू एक वीडियो दे रखी है इन दोनों वीडियो को जरूर देखना इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पूरा की पूरा रिविजन भी हो जाएगा ठीक है ठीक है बच्चों ये लास्ट ईयर की है नो डाउट सेम की सेम सिलेबस है कुछ नहीं बदला है यहां पे इन इन दो वीडियोस को जरूर देखिएगा जिसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स देखनी है वो यहां पे देखना आईसीटी वाली यूनिट है ये वाली कवर कराई हुई है मैंने ठीक है फिर यहां पे एक सैंपल पेपर वन दो सैंपल पेपर करवाए थे एक सैंपल पेपर ये रहा और एक सैंपल पेपर ये रहा दोनों करवाए थे दोनों जरूर देखिएगा उसके बाद देखो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स ये रही इस पे सेवन के व्यूज है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स यहां से हो सकती है उसके बाद देखो यूनिट टू कंप्लीट मैंने ये कर रखी है इस पर अठारह हजार व्यूज है एटीन के व्यूज हैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा उसके बाद देखो यूनिट वन कंप्लीट ये यूनिट वन है जो अभी करवा रहा हूं वही ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी पहले करवाई हुई है ये देखो फोर्टी के व्यूज इस पे फोर्टी व्यूज है ठीक है सर आपका वीडियो सारा देखा है बस अगर जिसने भी मेरी सारी वीडियो देख ली कुछ देखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन हो गई ध्यान रखना जिसने भी मेरी वीडियोस देख ली हैं, जिसने भी उसमें से सीख लिया है कुछ भी इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन हो गई है ठीक है और कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आप इनको इनकी पीडीएफ चाहिए अगर इन सब की पीडीएफ चाहिए देखो दो तरीके हैं पीडीएफ के या तो आप खुद बना लो लेकिन अगर खुद नहीं बना पाओ तो फटाफट से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो यहाँ पे 816 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं 816 मेंबर्स हैं यहाँ पे बच्चे हैं ठीक है थीके? यहाँ पे देखो यहाँ पे पिंड मैसेज चेक करना पिंड ज चेक करोगे तो आपको यहां पे देखो ये एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स ये वाली जो यूनिट है ये वाली जो, ये वाली वाली जो जो पीडीएफ है बेटा इसमें आपकी यूनिट एंड कवर ठीक है यूनिट थ्री और फोर आपकी इस पीडीएफ में कवर है एंट्रप्रनोर स्किप एंगेजमेंट इन सब में इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखो ये हेडिंग डली हुई है इसमें यूनिट थ्री और फोर ऑलरेडी कवर्ड है इसको जरूर देखिएगा ठीक है उसके बाद

तो कुछ भी ऐसा नहीं है बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है मटेरियल कहां है कहा नहीं है बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे सब कुछ मिलेगा यहाँ पे ऑलरेडी सारा सारा अपलोडेड है अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो यार एक काम कर सकते हो वीडियो कितनी देर की है एक एक घंटे की वीडियो है नोट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा टू एक्स पे लगा के उस वीडियो को नोट्स बनाने में कितना दस पंद्रह मिनट आप बीस मिनट मान लो अपने हाथ से लिख सकते हो अगर अपने हाथ से नहीं लिख सकते तो ये रही ये सब कुछ अपलोडेड है बेटा यहाँ पे यहां पे ये चेक तो करो बहुत बच्चे चेक ही नहीं करते हैं सीधा आके पूछते हैं ये कहा मिलेगा ठीक है चेक करो आप सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है ओके चलिए अभी मूव करते हैं अपनी यूनिट के ऊपर जो अभी हम कर रहे थे ठीक है अभी हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर जो अभी कर रहे थे हम लोग ओके यहाँ पे देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन जल्दी से देखिए वट इज द कोड ऑफ कंडक्ट पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है देखिए यहां पे व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट व्हाट इज द कोड एंड कंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर ठीक है सर कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आएंगे क्या बेटा कम्युनिकेशन के दो क्वेश्चन आएंगे छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मत करो मैं तो कह रहा हूं बिना फालतू में दो नंबर के लिए और दो नंबर में भी ऑप्शन आएगा तो दूसरी यूनिट कर लेना ठीक है कम्युनिकेशन के पीछे इतना मत पड़ो और क्वेश्चन भी आएगा तो बहुत सिंपल आएगा इतना कुछ नहीं आएगा यार एक एमसीक्यू आएगा और एमसीक्यू तो टेपा मार के कर दोगे इधर उधर से चीटिंग करके कर, कर दोगे तुम लोग पता है मुझे ठीक है यहां पे देखो व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर ठीक है फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है इसका आंसर अभी हमने डिस्कस किया क्या आंसर हो सकता है इसका ये रहे देखो ऊपर के पॉइंट देखो यहां पे क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर लर्निंग कोलेबोरेटिंग विद अदर्स टू एक्सपैंड फिजिकल एक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज उसके बाद देखो रिस्पेक्ट एंड वैल्यू अदर्स ओपिनियन मेंटेन प्रोफेशनल एटिकेट्स बस हो गया कोई भी पॉइंट या जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने ही पॉइंट लिखने का ध्यान रखना अगर दो नंबर क्वेश्चन है तो दो पॉइंट लिखने हैं चार नंबर का क्वेश्चन है तो चार पॉइंट लिखने हैं ठीक है, है? चलिए उसके बाद देखो नेक्स्ट व्हाट इज पर्सनल एंड प्रोफेशनल एटिकेट्स व्हाट इज पर्सनल एंड प्रोफेशनल एटिकेट्स अब आएगा मजा पर्सनल का मतलब जो आपके घर में यूज होते हैं ठीक है प्रोफेशनल मतलब जो आप जब कहीं जॉब करने जाते हो तो क्या एटिकेट्स यूज होते हैं ठीक है दो टाइप के एटिकेट्स हैं बेटा एक पर्सनल होता है और एक प्रोफेशनल होता है ठीक है पर्सनल मतलब जो घर में हम करते हैं अपने साथ अपने फैमिली के साथ प्रोफेशनल होते हैं जो हम अपने टीम के साथ करते हैं स्कूल में ठीक है या फिर कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो जो प्रोफेशनल वो होते हैं प्रोफेशनल एटिकेट्स ओके चलिए लिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट दैट इंडिकेट फैसिलिट फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर कोलेबरेट विद स्कूल स्टाफ पेरेंट कम्युनिटी कोई भी तीन पॉइंट बताओ जिससे क्या होता है जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर है वो कम्युनिकेट करता है क्या करता है बेटा कम्युनिकेट कोलेबोरेट करता है देखो कोलाबोरेशन के दो पॉइंट तो ये लिखे हुए कोलेबोरेट विद अकेडमिक टीचर एंड सपोर्टिंग स्टूडेंट एंगेज स्कूल स्टाफ पेरेंट्स इन फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम एक अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो यार ठीक है सपोर्ट स्टूडेंट ठीक है सपोर्ट स्टूडेंट या कोलेबोरेट विद अदर टीचर्स कोलैबोरेट विद पेरेंट्स कोलैबोरेट विद सोसाइटी कुछ भी अपनी मर्जी से पेल दो क्या दिक्कत है ठीक है इतना तो लिख सकते हो ना वैसे भी हम भारतीय स्टूडेंट है, है कहानी बनाने में कोई कम कम थोड़ी रहते हैं हम okay. ओके ओके okay, उसके बाद देखो लिस्ट एनी फाइव पॉइंट्स दैट इंडिकेट फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर नर्चर स्टूडेंट कोगनेटिव फिजिकल इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट कोई भी पांच पॉइंट बताओ जिससे ये पता चलता है कि वो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर उसकी डेवलपमेंट को नर्चर करता है और ये सारी चीजें सिंपल यही कहानी है कुछ नहीं करना ऊपर की जो वीडियो अभी आप मैंने जो बताया वो सारी चीज सुननी है कुछ नहीं करनी सिंपल क्या करना है सर्व एज रोल मॉडल ये सारे जो सब पॉइंट्स हैं जो सब है सारे छाप दो कोलेबोरेट विद स्टूडेंट मेंटेन फिजिकल ये रहे। ये जो सब पॉइंट है ना बेटा ये सीधी की सीधी की वहां पे छाप देने हैं हो जाएगा आंसर कुछ नहीं करना ठीक है तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिल्कुल सारा सब कुछ यहीं पे है इन और इन चीजों से बाहर कुछ नहीं आना ध्यान रखना इन चीजों से बाहर कुछ नहीं आएगा एकदम आराम से सब कुछ हो जाएगा ओके अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज कराता है जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर है कौन कौन सी एक्टिविटीज कराता है ध्यान से सुनिएगा यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा वो कौन कौन सी एक्टिविटीज कराता है ठीक है देखिए सबसे पहले वो सर्विस प्रोग्राम करवाता है फोकस ऑन इंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट्स प्रोवाइड नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन ये सारी चीजें यार देखो इसमें ना कुछ समझाने वाला है नहीं एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ क्या है पढ़ने वाली चीज है इंट्रा म्यूरल प्रोग्राम प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी डेवलप स्किल्स थ्रू फिजिकल एक्टिविटी विद एक्टिव विद्रुप एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है ग्रुप क्लब सोसाइटी कम्युनिटी विलेज इंस्टीट्यूशन एक्स्ट्राम्यूरल मतलब

और समझनी है That's it. समझ में आ रही है बात बच्चे सिंपल आपको पढ़नी है और समझनी है ये सारी मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है उस यूनिट वन में कौन सी यूनिट में इस वाली यूनिट में देखो ध्यान से मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है आपको इस यूनिट में जाके जरूर देखिएगा ये वाली यूनिट ये वाली यूनिट जरूर देखिएगा फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर यूनिट वन ठीक है वीडियोस में जाना यूनिट वन है बेटा 40 मिनट की वीडियो है पूरा एक यूनिट 40 मिनट में खत्म दूसरी यूनिट देखो 27 यूनिट, 27 मिनट मिनट की वीडियो है दूसरी यूनिट में खत्म 40 और बीस घंटे में एक घंटे में दो यूनिट खत्म हो गई ठीक है और इससे शॉर्ट फॉर्म क्या चाहिए यार पूरी साल जब छह महीने पूरा एक साल अगर आपको एक घंटे में दो यूनिट खत्म हो जाए तो और क्या चाहिए यार जिंदगी में इससे शॉर्ट फॉर्म और क्या मिलेगा ठीक है एलिवेंट के बस दो पॉइंट्स दिए हैं वो इनफ है हाँ ओनली स्टडी सिर्फ दो पॉइंट इनफ है बच्चे बिल्कुल दो पॉइंट इनफ है ठीक है हाँ दो पॉइंट इनफ है ठीक है उसके बाद देखो ये जो तीसरी यूनिट है तीसरी और चौथी यूनिट देखो एक घंटे की ये अलग से है यहां पे देखो ये एक घंटे का यूनिट थ्री और फोर है आप सोच के देखो एक घंटे की पहली दो एक घंटे की थर्ड और फोर दो घंटे के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए और क्या चाहिए यार जिंदगी में इससे तगड़ा शॉर्ट फॉर्म क्या ही लोगे दो घंटे में पूरा सिलेबस खत्म ठीक है दो घंटे में क्या हो जाएगा इसमें पूरा सिलेबस खत्म तो यहां पे दो वीडियो ये देखो और एक वीडियो ये देखो चारों की चारों यूनिट कवर हो जाएंगी ठीक है इनकी पीडीएफ चाहिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है पीडीएफ कहां है पीडीएफ आपको दोबारा से बताता हूं एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा ये देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा इसमें 825 स्टूडेंट हो गए अभी 816 थे 10 स्टूडेंट बढ़ गए हैं प्लस 10 हो गए इसमें ठीक है तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या करना है आपने ग्रुप में जाना है ठीक है और ये जो चीजें है ना प्लीज अपने क्लास के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ इस ग्रुप में जाना है यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जाना पिंड मैसेज सबसे पहले चेक करना पिंड मैसेज यहाँ पे एंटर पिंड मैसेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगी एंटरप्रन्योर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये यूनिट थ्री प्लस फोर है ध्यान रखिएगा इसमें यूनिट थ्री और फोर दे रखी है ठीक है और इसी में आपको ग्रीन स्किल्स मिलेंगी ठीक है ग्रीन स्किल्स वाली जो यूनिट है वो भी इसी में मिलेगी एंटरप्रेन्योर वाली भी इसी में मिलेगी सारी चीज इसमें चार टॉपिक्स कराए हुए हैं मैंने ध्यान रखना इसमें मैंने चार टॉपिक्स कराए हुए हैं ठीक है ठीके? वो चारों आपको करने हैं ठीक है ठीके? चार टॉपिक्स कराए हुए हैं अगर आपको छोड़ना हो तो ग्रीन स्किल्स छोड़ देना अगर मान लो आपको नहीं हो रहा है नहीं तो ज्यादा लग रहा है तो ग्रीन स्किल्स छोड़ देना ठीक है क्योंकि ग्रीन स्किल्स ऊपर वाले उसमें थी और एक या दो नंबर की है लेकिन लेकिन बेटा इन्वेंट्री मैनेजमेंट मत छोड़ना कौन कौन सी चीजें नहीं छोड़नी है देखो यहां पे ये चार चीजें जरूर करनी है ये चार चीजें जरूर करनी है बच्चों <coughs> कौन कौन सी ये वाली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर यूनिट वन है ऑलरेडी एक पूरी यूनिट यानी कि ये पूरी की पूरी एक यूनिट 40 मिनट की मैंने अपलोड कर रखी है वो देख लो 40 मिनट में ये वाली यूनिट खत्म दूसरी देखो असेसमेंट एंड ऑफ स्टूडेंट ये वीडियो 27 मिनट की है ये वीडियो पूरी की पूरी 27 मिनट की है 27 मिनट में तुम्हारा ये उस यूनिट खत्म फ्री प्ले और मॉनिटरिंग फ्री प्ले और मॉनिटरिंग बेटा ये दोनों की दोनों वीडियो एक घंटे की है मतलब चालीस और बीस साठ और ये साठ मतलब एक मिनट में 120 यानी 130 130 मिनट मिनट में में आपका पूरा स्लेवस में आपका पूरा पूरा खत्म खत्म क्या भैया अरे बेटा ऑलरेडी सब कुछ अपलोडेड है यार तुम देखते नहीं हो ठीक है क्या इस लाइव में भैया क्या इस लाइव में कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हो कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी मैंने करा दिया है बच्चे सोहेब अहमद कंप्लीट सिलेबस मैंने ऑलरेडी करा दिया है मैंने आपको अभी बताया कहां पे है सिलेबस सब कुछ बता दिया मैंने कहां पे कौन सी चीज है एक बार आप जाके देखो वहां से आपको सारी चीजें मिलेंगी ठीक है चलिए सर क्या आपने वर्ड में आंसर लिख लिख सकता हूं हां बिल्कुल अपने वर्ड में ही आंसर लिखने हैं बेटा अपने वर्ड में ही आंसर लिखने हैं ध्यान रखना बिल्कुल सही स्टूडेंट स्पॉटलाइट अपने वर्ड में ही आंसर लिखने हैं बस आप यहां पे वर्ड्स ले लो हिंट ले लो थोड़ा सा ठीक है So, as a physical fighter, which sport equipment used to inside hall here give suitable example. बेटा ये सारी की सारी चीजें inventory management वाली unit के अंदर सब कुछ पढ़ाया हुआ है ये आप जाके देखो वहाँ पे सब मिलेगा आपको Top five में include होगा ये subject, नहीं होगा अगर आप किसी subject में fail हो जाते हो तो ये top five में include होगा लेकिन अगर आप सब में पास हो एस एस टी मैथ्स हिंदी इंग्लिश जो भी आपके पास सब्जेक्ट है अगर उन सब में पास हो तो ये परसेंटेज में इंक्लूड नहीं होगा लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो होगा अब ये अब जान के फेल मत हो जाना किसी भी सब्जेक्ट में नलायक हो प्लान मत बना लेना उस सब्जेक्ट में फेल हो जाता हूं तो इसके मार्क्स से वो बढ़ जाएगा ऐसा नहीं होगा ठीक है चलिए ओके सूर्य बहन निषाद चेस टेबल टेनिस बिल्कुल सही सही आंसर है उसका पेपर प्रेजेंटेशन सर पेपर प्रेजेंटेशन बता दो पेपर प्रेजेंटेशन टुमारो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए कल मिलेंगे ठीक है पेपर प्रेजेंटेशन के लिए हम कल सात बजे मिलेंगे आठ आठ बजे मिलते हैं नहीं अगेन नाइन पी कल नाइन पीएम पे फिर से क्लास लूंगा वहां पे पेपर प्रेजेंटेशन प्लस रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाना है पीटीएम मीटिंग कैसे करनी है असेंबली कैसे करवानी है वो जो चार नंबर का एक क्वेश्चन आता है वो बताऊंगा चारों की चारों ठीक है स्पोर्ट कार्ड कैसे बनाना है वो सारे के सारे हम कल नौ बजे मिलेंगे कल 9, 9 पे फिर से एक क्लास लूंगा वहां पे सारी चीजें बताऊंगा बेटा समझ में आ रही है बात वहां पे सारी चीजें बताऊंगा ठीक है एक जो चार नंबर का क्वेश्चन आना है लेकिन कल से पहले तब तक आप मेरे दो घंटे की सारी वीडियोस देख लो जो जो दो घंटे की वीडियोस है यूनिट वन की यूनिट यूनिट की फोर ये चार वीडियोस देख के आना ये चार वीडियोस देख के आना तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कुछ भी डाउट नहीं रहेगा ठीक है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा यूनिट टू यूनिट टू बेटा ऑलरेडी अपलोडेड है क्या नाम है आपका गौरव गौरव कह रहा है यूनिट टू बेटा यूनिट टू ये रही देखो आपको क्या करना है आपको सिर्फ सिंपल चैनल पे जाना है दीपेश चौहान सर्च करना वहां पे चैनल मिलेगा आपको ये रही देखो ध्यान से देखो इसको यूनिट टू थोड़ा जूम कर देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आई होप आपको दिख रहा होगा ये देखिए यहां पे ये यूनिट टू है यूनिट टू देखो ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा ध्यान से देखो यूनिट टू मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है इसको जाके पढ़िए आप ठीक है इसको जाके पढ़िए यूनिट टू को कितनी सत्ताईस मिनट की वीडियो है ट्वेंटी सेवन मिनट में पूरी एक यूनिट खत्म यार और क्या चाहिए ठीक है तो ये चीजें आप वहां से कर पाएंगे ओके वहां से सारी चीजें हो पाएंगे चलिए अभी के लिए बस इतना ही करता हूं अभी के लिए बस इतना ही करता हूं एक यूनिट मैंने कंप्लीट कर दी यहां पे कुछ है नहीं इसमें ठीक है बस छोटी छोटी ऐसे ही यूनिट्स हैं वो आपको करनी होंगी अभी के लिए चलते हैं हम कल मिलेंगे नौ बजे कल नाइन पीएम जरूर आइएगा मैं आपको बताऊंगा आंसर कैसे लिखने हैं सबको पता है लिखना क्या है लेकिन हाउ कैसे लिखना है वो नहीं पता ठीक है तो हम कल सुबह कल शाम को कल शाम को नौ बजे कल रात को नौ बजे मिलेंगे और तब आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है कैसे निकल लिखना है जिसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं वीडियो में से देख देख के जरूर करिएगा उसमें एक टेस्ट बनाया हुआ है वीडियो के अंदर ठीक है सर प्लीज जल्दी ले लो क्लास ओके चलो देखेंगे मैं बता दूंगा आपको ग्रीन स्किल्स बता दो बेटा यूनिट थ्री एंड फोर वाली जो वीडियो उसमें अपलोडेड है ऑलरेडी देखो जाके ठीक है सर कॉमनली यूज प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट समझा दो बेटा इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाली यूनिट में सब कुछ दिया हुआ है

वहां पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा सारी पीडीएफ मिल जाएंगी सब कुछ जो मैंने पढ़ाया है उसका पीडीएफ आपको वहां मिलेगा ठीक है तो यहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो ठीक है आई होप समझ में आया कैसे ग्रीन स्किल्स बता दो बेटा यूनिट थ्री और फोर वाली यूनिट में बेटा ग्रीन स्किल्स जो है इस वाली वीडियो में कवर्ड है ग्रीन स्किल्स जो है इस वीडियो में कवर कर रखा है मैंने ये जो यूनिट थ्री और फोर वाली यूनिट है ना इसमें ग्रीन स्किल्स कवर्ड है ध्यान रखने का जो भी ग्रीन स्किल पूछ रहा है इसमें कवर हो रखा है मैंने करवा दिया है ऑलरेडी कवर करा रखा है बेटा सर ये किस सब्जेक्ट का रिप्लेस करेगा ये किसी को रिप्लेस नहीं करेगा बेटा कहां ओन वर्ड्स हाँ, बिल्कुल फिजिक्स ओन वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं नो 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 इशू बिल्कुल लिख सकते हैं सर ये टॉप फाइव में जुड़ेगा अगर टॉप फाइव में एक ही कंडीशन पे जुड़ेगा अगर आप किसी सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में फेल होते हो तो ये जुड़ेगा अदरवाइज ये नहीं जुड़ेगा ठीक है बट बट नहीं जुड़ेगा इसका यह मतलब नहीं है कि करना नहीं है रिपोर्ट कार्ड में तो लिख के आएगा चलिए ओके यूनिट टू पढ़ा दो इस लाइव में लक्ष्य त्रिपाठी बेटा यूनिट 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 ये 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 रही रही आप देखो 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 ना ध्यान से देखो, टू कहां पे कराई हुई है ये रही। पूरा यूनिट टू कवर्ड है कितने मिनट में ओनली इन ट्वेंटी सेवन कवर्ड है एक बार वीडियो जाके देखो सब कुछ मिलेगा ठीक है सर आईटी वाला टॉपिक कहां से करूं बता दो आईटी वाला टॉपिक ये रहा फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स बेटा 38 मिनट की वीडियो है फटाफट से कर लो आईसीटी ये रही आईसीटी वाली जो टॉपिक है ठीक है ये रहा इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देख लो ध्यान से अब मैं सबके सब सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश छोड, छोड़, के सभी में जोड़ सकता हूं हाँ ठीक है तो फिर इस सब्जेक्ट का क्या फायदा है इस सब्जेक्ट का फायदा यह है कि अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है मैथ्स में एस में हिंदी में तो उसकी जगह पर यह रिप्लेस हो जाएगा लेकिन अगर कोई फेल नहीं हो रहा है तो ये नॉर्मली रहेगा ठीक है सर प्लीज सुबह की क्लास ले लो हां सुबह क्लास लेंगे जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन लेंगे सुबह क्लास ठीक है सुबह पांच बजे या चार बजे मैं एक क्लास उठाऊंगा सुबह पांच बजे ठीक है तब मैं वहां पे सारे के सारे पूरा की पूरा सिलेबस एक बार रिवीजन करा दूंगा आपका सुबह पांच बजे रिवीजन कराऊंगा लेकिन सोलह तारीख को ठीक है चलिए फ्री प्ले पढ़ा दो बेटा फ्री प्ले के लिए आपको ये वाली यूनिट ये वीडियो देखनी होगी ये लो फ्री प्ले के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी होगी ये रही यूनिट थ्री एंड फोर इसमें फ्री प्ले कवर्ड है इस वाली यूनिट में फ्री प्ले कवर्ड है ऑलरेडी आपको जरूर यह वीडियो देखनी चाहिए ठीक है चलिए सर इसमें पास होना जरूरी है हाँ बिल्कुल पास होना जरूरी है सर लाइव क्लास कल सुबह कल सुबह बेटा मेरा ऑफिस होता है मैं कल सुबह नहीं ले पाऊंगा ठीक है मैं खुद जॉब करता हूं तो मेरा ऑफिस है मैं नहीं ले पाऊंगा सर कल लाइव कल सुबह ले लीजिए बेटा कल सुबह नहीं हो पाएगा कल सुबह नहीं ले पाऊंगा ठीक है कल सुबह नहीं होगी कल रात को नौ बजे मिलेंगे हम लेकिन रात को नौ बजे मिलने से पहले कल रात को नौ बजे मिलने से पहले आपने क्या करना है आपने सबसे पहले चारों यूनिट चारों वीडियो है सारी वीडियोस देख के आनी है सर क्वेश्चन पेपर बता दो क्वेश्चन भाई कौन है क्रिकेट फैक्ट क्वेश्चन पेपर बता दो जिसने भी वीडियोस देख ली इसका मतलब उसको क्वेश्चन पेपर पता चल गया ध्यान रखना जिसने भी वीडियोस देख ली इसका मतलब है उसको क्वेश्चन पेपर पता चल गया ठीक है मैं आपको स्पेशली तीन वीडियोस बताता हूं सिर्फ वो तीन ही वीडियोस भी देख लोगे ना अगर आपने ये तीन वीडियोज देख ली एक तो ये यूनिट वन वाली एक ये यूनिट टू वाली और एक ये यूनिट थ्री एंड फोर वाली इसका मतलब आपको क्वेश्चन पेपर पता चल गया ठीक है ध्यान रखना चलिए ओके थैंक यू सो मच मिलते हैं कल रात को नौ बजे कल रात को नौ बजे लाइव फिर लेंगे ठीक है ध्यान से वहां पे पूरा की पूरा आपको चार चार नंबर वाले क्वेश्चन लिखने बताऊंगा कैसे लिखने हैं रिपोर्ट कार्ड कैसे बनेगा स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैसे बनेगी वो सारी चीजें ठीक है चलिए ओके थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर गुड नाइट बेस्ट ऑफ तो लक फॉर योर एग्जाम जिसको आना हो जरूर आइएगा मैं तो कहता हूं सबको आना चाहिए ठीक है हम फिर मिलेंगे ऑल जरूर मिलेंगे थैंक यू थैंक यू सो मच सो जाइए अभी आराम से पहले वीडियो देख लीजिए कल जब मिलेंगे तो उससे पहले वीडियो जरूर देखना ठीक है चलिए ओके बाय बाय टेक केयर गुड नाइट गुड नाइट